नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद बैंक में हुए बदलाव के बारे में। इलाहाबाद बैंक के ग्राहकों के लिए अहम सूचना। इंडियन बैंक में विलय होने के साथ ही इलाहाबाद बैंक के नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसके तहत यह नए नियम 17 फरवरी से लागू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में देश में चुनिंदा 4 बैंक ही अब बच गए हैं। बैंक मर्जर के बाद अब ये बैंक बचे रह गए हैं। ऐसे में उन बैंक के ग्राहकों के लिए बदलाव का दौर शुरू हो गया है जिनके बैंक बैंक के साथ मर्ज हो गए हैं। ऐसा ही कुछ इलाहाबाद बैंक के साथ भी देखने को मिला है। चलिए जानते हैं इलाहाबाद के नियमों में हुए दो अहम बदलाव के बारे में। इलाहाबाद बैंक में खाता धारकों को अब मनी ट्रांसफर के लिए नए IFSC कोड के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन बैंकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब ग्राहकों को इंडो ASIS ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ 17 फरवरी की सुबह 9 बजे से कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब ग्राहकों के IFSC कोड, मोबाइल बैंकिंग ऐप, चेकबुक और पासबुक में किए गए बदलाव को भी आज से लागू कर दिया गया है। इलाहाबाद के इंडियन बैंक में शामिल होने के बाद पूरे देश में इलाहाबाद बैंक शाखाओं के IFSC कोड बदल दिए जाएंगे। ऐसे में यदि आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेन देन करते हैं तो आपको अब ट्रांजैक्शन के लिए नया IFSC कोड दर्ज करना होगा। नया IFSC कोड आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर या अपने निकटतम इंडियन बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद बैंक के ग्राहक की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पहले ही अपने सभी ग्राहकों से नए नियमों के साथ काम करने की अपील कर दी थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है, जिसके बाद RTGS, NEFT, IMPS के लिए IDBI के शुरू होने वाला एक नया IFSC कोड जानने के लिए ग्राहक अपनी होम ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं या फिर www.indianbank.in/amalgamation पर लॉगिन कर सकते हैं, IFSC कोड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नया IFSC कोड पाने के लिए ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 92688019962 पर SMS भी कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि यह बदलाव ऑनलाइन बैंकिंग में किए गए हैं, जिसके बाद अब ग्राहकों को इस बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके चेकबुक पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद बैंक के बदले नियमों का असर आपके चेकबुक पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। इन नियमों में हुए बदलाव का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका चेकबुक तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय हो गया है। आपका चेकबुक अगले 6 महीने या फिर चेक खत्म होने तक काम करती रहेगी। चेकबुक के अलावा ATM भी पहले की तरह ही 6 महीने तक सक्रिय रहेंगे। अगर फिर भी ग्राहकों को बैंक से संबंधित किसी भी मुद्दे को लेकर परेशानी होती है या बदले गए नियमों को समझने में परेशानी होती है, तो आपके लिए बैंक की तरफ से एक कस्टमर केयर नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत अब आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए 1-800-425-0000 पर फोन कर सकते हैं। ग्राहकों को हालांकि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही बैंक ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत ली है। नए नियमों के अनुसार अब इलाहाबाद बैंक के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंडियन बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके तहत अब इंटरनेट बैंकिंग के लिए indianbank.net.in का इस्तेमाल ग्राहक आसानी से कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के माध्यम से आप नए नियमों से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से ले सकेंगे। इसके साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी भी मिल जाएगी कि आप अपने पुराने बैंक के जुड़े कागजात को कैसे और कहां अपडेट करवा सकेंगे। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साल 2020-21 के बजट में कई पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय की घोषणा की थी। इसमें इलाहाबाद बैंक भी शामिल था, जिसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 मार्च 2020 को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। यह बैंक 1 अप्रैल 2020 से एक साथ मर्ज हो गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। आपके अनुसार इलाहाबाद बैंक के नियमों में हुए बदलाव का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।